खबर से होगा हमारा सीधा सरोकार। हर खबर की तह तक जाएंगे हम, हर खबर का करेंगे पूर्ण विश्लेषण। देखिए चार का चक्रव्यूह मेरे साथ शाम 4 बजे। आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास शो चार का चक्रव्यूह में, जहां बात होती है चार बड़ी खबरों की। तो शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले चार तस्वीरों के साथ। पहली बड़ी खबर संसद सत्र से जुड़ी हुई है, जहां संसद सत्र के पहले दिन की कार्यवाही काफी हंगामेदार रही और इसीलिए 2 बार कार्यवाही को स्थगित भी करना पड़ा। वहीं दूसरी बड़ी खबर, देश में एक बार फिर जासूसी कांड को लेकर बवाल मचा हुआ है, पूरी खबर विस्तार से आपको बताएंगे। वहीं तीसरी बड़ी खबर कानपुर देहात से है, जहां पुलिस अफसर के फोटो वायरल होने का सच भी आपको आज बताएंगे। वहीं चौथी बड़ी खबर बारिश से जुड़ी हुई है, जहां दिल्ली से लेकर मुंबई तक और मैदान से लेकर पहाड़ों तक बारिश ने हाल बेहाल कर रखा है। तो चलिए सभी बड़ी खबरों पर विस्तार से बात कर लेते हैं। संसद के मॉनसून सत्र का आज से आगाज हो गया है। बता दें टीएमसी, कांग्रेस, बसपा और अकाली दल के सांसदों ने महंगाई, किसान आंदोलन और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी की और सदन के वेल में पहुंच गए। इससे पीएम मोदी सरकार के नए मंत्रियों का सदन में परिचय भी नहीं करा पाए। हंगामे के बाद लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। साथ ही बता दें राज्यसभा में भी अभिनेता दिलीप कुमार और खिलाड़ी मिल्खा सिंह को श्रद्धांजलि देने के बाद 1 घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा। वहीं लोकसभा में मंत्रियों के परिचय के दौरान हंगामे पर पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोगों को बहुत पीड़ा हो रही है। आज इस सदन में महिलाएं जो मंत्री बनी हैं, उनका परिचय हो रहा है, ये कौन सी महिला विरोधी मानसिकता है। लंबे समय के बाद संसद के इस मॉनसून सत्र में विपक्ष सरकार को महंगाई, कोरोना महामारी, किसान आंदोलन जैसे मुद्दों पर घेरने की रणनीति तैयार कर चुका है। वहीं संसद सत्र के एक दिन पहले ही पेगासस स्पाईवेयर के जरिए फोन हैकिंग के मामले ने भी सरकार की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। बता दें सरकार संसद सत्र के दौरान करीब 30 विधेयकों को पारित करने की कोशिश भी करेगी। इनमें इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जैसे कई महत्वपूर्ण विधेयक भी हैं। साथ ही संसद सत्र का पहला दिन पहले एक दिन पहले ही सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर सार्थक और स्वस्थ चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं लोकसभा में मंत्रियों के परिचय के दौरान हंगामे पर पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोगों को बहुत पीड़ा हो रखी है। आज इस सदन में महिलाएं जो मंत्री बनी हैं, उनका परिचय हो रहा है, ये कौन सी महिला विरोधी मानसिकता है, जिसकी वजह से इस सदन में उनका नाम भी सुनने को कोई तैयार नहीं है, उनका परिचय भी कराने को तैयार नहीं है। बड़ी मात्रा में एससी समुदाय के मंत्री बने हैं, उनका परिचय नहीं हो पा रहा है। ये आदिवासी समुदाय के मंत्रियों के प्रति ऐसा क्या रोष है जो, या कौन सी मानसिकता है। वहीं सदन में ऐसा पहली बार देखा जा रहा है। किसान परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी समाज से हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्रिपरिषद में मौका मिला, उनका परिचय करने का आनंद होता। हर बैंक पर से बैंक को थपथपा करके उनका गौरव किया गया होता, लेकिन शायद देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने, ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। मैं बता दें आज से संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है, जिसके बाद पहले दिन काफी पहला दिन हंगामेदार रहा। विपक्ष ने
तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। हालांकि दो बार इसीलिए लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित भी किया गया, हालांकि उसके बावजूद भी विपक्ष लगातार सरकार को घेरता हुआ नजर आया। देश में एक बार फिर से जासूसी कांच को लेकर बवाल मचा हुआ है। सोशल मीडिया से लेकर संसद तक इस मुद्दे की गूंज सुनाई दे रही है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को संसद में घेरने की रणनीति बना रहा है। वहीं सूत्रों के मुताबिक विपक्ष इस मामले में संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जीपीसी जांच की मांग भी करेगा। वहीं दूसरी सरकार भी अपने मंत्रियों के लिए साथ ही जासूसी कांड पर विपक्ष पर पलटवार के लिए तैयारी कर रही है। बता दें आज मानसून सत्र की शुरुआत के दिन संसद भवन से निकलते हुए राहुल गांधी ने सांसद रवनीत बिट्टू से जासूसी कांड को लेकर रणनीति पर बात भी की, जबकि शिवसेना भी सरकार को घेर रही है। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि ये देश की सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा करने वाली घटना है। अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का फोन भी टेप हो रहा है तो हैरानी की बात नहीं है। वहीं सरकार ने जासूसी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। दरअसल वॉशिंगटन पोस्ट और द गार्जियन के अखबार के दावे के मुताबिक देश में 40 से ज्यादा पत्रकार, 3 प्रमुख विपक्षी नेताओं और एक संवैधानिक प्राधिकारी नरेंद्र मोदी सरकार में 2 पदासीन मंत्री, सुरक्षा संगठनों के वर्तमान और पूर्व प्रमुख और अधिकारी और बड़ी संख्या में कारोबारियों की जासूसी की गई है। द गार्जियन और वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के जरिए आरोप लगाया गया है कि दुनिया की कई सरकारों, एक खास पेगासस नाम के सॉफ्टवेयर के जरिए मानव अधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, बड़े वकीलों समेत कई बड़ी हस्तियों की जासूसी करा रही है, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत सरकार ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। देश में जासूसी कांड की कथा नई नहीं है, हालांकि राजनीति और जासूसी या फोन टेपिंग का रिश्ता बहुत पुराना है। इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर सांसद, उद्योगपति और सिनेमा जगत के लोगों के नाम भी पहले सामने आ चुके हैं। वहीं अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि बीते वक्त के कुछ पन्ने पलटकर ऐसे हैं कि जहां जासूसी या फिर कहें कि फोन टैपिंग के किस्से बताने जा रहे हैं। तो चलिए ग्राफिक्स से शुरुआत कर लेते हैं। बता दें जब राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया था, दरअसल ज्ञानी ज्वेल सिंह ने राष्ट्रपति रहते हुए तत्कालीन पीएम राजीव गांधी पर फोन टेप करने का आरोप लगाया था। ज्वेल सिंह का कहना था कि राजीव ये जानना चाहते हैं कि उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के साथ मेरी क्या बातचीत हो रही है। वहीं 1988 में कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े के कार्यकर्ता में भी फोन टैपिंग का बड़ा मामला सामने आया था। दरअसल राजनीतिक विरोधियों के फोन टैप करने के आरोप में कर्नाटक के मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े को इस्तीफा देना पड़ा था। वहीं साल 1990 की भी बात करेंगे, जहां पर चंद्रशेखर ने तत्कालीन नेशनल फ्रंट की सरकार पर अपना फोन टेप कराने का इल्जाम लगाया था। वहीं साल 2006 में बता दें पूर्व सांसद अमर सिंह ने आईबी से जुड़े कुछ लोगों पर फोन टेप करने का आरोप लगाया था। अमर सिंह ने केंद्र और सोनिया गांधी पर फोन टेपिंग का आरोप लगाया था। साल 2010 की भी बात करेंगे, बता दें साल 2010 में उद्योगपतियों और रतन टाटा और मुकेश अंबानी की कंपनियों के लिए जनसंपर्क का काम कर चुकी नीरा राजिया के फोन टेप का मामला भी सामने आया था। दावा किया गया था कि उद्योग जगत के लोग, नेताओं और मीडिया कर्मियों के ए राजा को दूरसंचार मंत्री बनाए रखने के लिए गोलबंदी की गई थी। वहीं साल 2010 के एक पत्रकार ने भी दावा किया था कि तत्कालीन यूपीए सरकार ने देश के कुछ शीर्ष नेताओं के फोन टेप कराए थे, जिसमें तत्कालीन कृषि मंत्री शरद पवार, कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सीपीएम के पूर्व महासचिव प्रकाश करात भी शामिल थे। वहीं 2010 की ही बात करेंगे, जहां तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने प्रधानमंत्री और मनमोहन सिंह को एक चिट्ठी लिखकर जासूसी का शक जताया था। प्रणब ने इस चिट्ठी में अपने मंत्रालय में 16 जगहों पर चिपकाने वाला पदार्थ मिलने की बात भी कही थी।
पेगासस सॉफ्टवेयर का जो ये विवाद है वो 2019 में भी उठा था और इसराइल की एनएसओ नामक एक संस्था है जो इस सॉफ्टवेयर का निर्माण करती है। हालांकि संस्था का दावा है कि वो सिर्फ सरकारों को ये सॉफ्टवेयर बेचती है, तो आम नागरिक को इसके लिए चिंतित नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार भी इसके जरिए आम नागरिक के ही उसमें मोबाइल के थ्रू उसमें एक चोरी करना या डाटा चोरी करना या फिर उन पर नजर रखने का काम करते हैं। इससे एक विश्व में काफी बवाल हुआ है और लेकिन ये सॉफ्टवेयर जो है पेगासस वो काफी तेज सॉफ्टवेयर है। उसको इंस्टॉल करने के लिए सिर्फ एक मिस कॉल की जरूरत होती है और वो मिस कॉल भी क्योंकि वो सॉफ्टवेयर बार इंस्टॉल होने के बाद में अपने आप कॉल डिटेल्स को मिटा भी सकता है। तो ये बहुत ही सॉफ्टवेयर खतरनाक है, लेकिन ये चूंकि बहुत ही महंगा सॉफ्टवेयर है इसलिए आम आदमी की पहुंच से दूर है, लेकिन अगर सरकार के हाथ में जाता है तो विपक्षियों के लिए चिंता का विषय है। देश में एक बार फिर से जासूसी कांड को लेकर बवाल मचा हुआ है। तमाम विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि संसद में भी इस मुद्दे के उठाए जाने की कोशिश लगातार विपक्ष की तरफ से की जा रही है। तो बता दें सरकार ने जासूसी कांड के आरोपों का सिरे से खारिज कर दिया है। वहीं एक बार फिर से जासूसी कांड को लेकर बवाल मचा हुआ है। तमाम विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने की लगातार कोशिश में जुटी हुई हैं। यूपी पुलिस के एक अफसर की फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, जिसमें वो एक महिला के ऊपर बैठकर उसकी पिटाई करते हुए नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले में एक पुलिस अधिकारी कथित रूप से एक महिला के ऊपर बैठ गया और उसकी पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि यह घटना बीते शनिवार की है। महिला के ऊपर बैठे पुलिसकर्मी की और उसे पीटने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। कानपुर देहात पुलिस ने आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि टीम पर शिवम यादव के परिवार की महिलाओं ने हमला किया था, जिन्होंने पुलिस के अनुसार पंचायत चुनाव में एक उम्मीदवार को धमकी भी दी थी। वहीं जानकारी के मुताबिक यादव की तलाश के दौरान दुर्गादासपुर गांव में उप निरीक्षक महेंद्र पटेल की महिला से कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद कानपुर एसपी केशव चौधरी ने कहा कि वीडियो से पता चलता है कि भोगनीपुर पुलिस चौकी के प्रभारी पटेल अनियंत्रित होकर महिला के ऊपर गिर गए थे, लेकिन यादव के परिवार के अनुसार पुलिस अधिकारी ने गलत तरीके से मारपीट किया। वहीं पुलिस अधिकारी ने कहा कि यादव कुछ दोस्तों के साथ जुआ खेल रहा था और उसे पुलिस ने पकड़ लिया था, लेकिन उसकी माँ और उसकी पत्नी उसे बचाने के लिए गई, जिससे पटेल और महिलाओं के बीच हाथापाई हो गई। उन्होंने ये भी कहा कि यादव की पत्नी आरती यादव हाथापाई के दौरान गिर गईं। हालांकि आरती ने उनके दावों का खंडन किया है और कहा है कि उसे बुरी तरह पीटा गया है। वहीं इस पूरी घटना को लेकर सपा की जिला इकाई के वरिष्ठ नेताओं का प्रतिनिधि मंडल महिला के घर जाकर उससे मिलने पहुंचा था। सपा प्रतिनिधि मंडल ने महिला और परिजनों से बात भी की, साथ ही महिला और परिजनों को न्याय दिलाने का आश्वासन भी दिया है। दासपुर में जो महिलाओं के साथ पुलिस ने अभद्रता की है, इसमें समाजवादी पार्टी क्या कार्रवाई कर रही है, क्या आप लोगों को बताएं? जो अभद्रता पूरे प्रदेश और देश ने देखा है, ये सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है और महिलाओं के साथ ऐसा सलूक कर रही है, ये आप सबसे छिपा नहीं है। ऐसा घृणित कार्य किया है माननीय चौकी इंचार्ज जी ने, जो आज पूरे देश ने देखा है। समाजवादी पार्टी शांति से नहीं बैठेगी। मैं चौकी इंचार्ज के नंबर और बर्खास्त की मांग करता हूं। और एसपी साहब ने ये चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर किया है, क्या आप इनके निर्णय से संपर्क बुलाएंगे? नहीं, अभी हम संतुष्ट नहीं हैं। हम उन्हें निलंबित करा के ही मानेंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाना चाहिए। ऐसी हरकत दोबारा कभी किसी बहन बेटी के साथ न करें। थाना भवानीपुर की चौकी पुखराया के अंतर्गत दुर्गदासपुर गांव में चौकी इंचार्ज किसी आरोपी की तलाश में गए थे और उस गांव में पहुंचने के बाद किसी महिला के साथ उनकी कहासुनी और झड़प हुई है।
जिसका एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें दोनों के मध्य विवाद हो रहा है। इसमें पुलिस का यह कहना है कि जब वो आरोपी की तलाश में थे तो वहाँ पर एक लड़के के द्वारा पुलिस के साथ बदतमीजी की गई, जिसके विरोध में पुलिस ने उसे मना किया और उसे पकड़ कर थाने ला रही थी। उसी क्रम में जो आरोपी है जिसको पकड़ के ला रही थी पुलिस, उसके घर के लोग उसके परिजन बाहर निकल आए और पुलिस के साथ जो है वह बदतमीजी करने लगे और उसी बदतमीजी के क्रम में दोनों पुलिस के साथ उनकी कहासुनी हुई और उसी दौरान यह फोटो जो है ले ली गई है। दूसरी तरफ जो महिला का कहना है, उसका ये कहना है कि पुलिस ने हमारे साथ बदतमीजी की है, हमारे साथ हमारे जो परिजन है उसको जबरदस्ती ले जा रही थी। इस पूरे प्रकरण की जांच कराई जा रही है और जो भी सही तथ्य होंगे उसके आधार पर जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई और विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो बता दें कानपुर देहात का यह पूरा मामला है जहां पर बीते दो दिनों से एक पुलिस अफसर का वीडियो और फोटो वायरल हो रहा था जिसमें पुलिस अफसर एक महिला के ऊपर बैठा दिख रहा था और पिटाई उसकी कर रहा था। हालांकि पुलिस अफसर की तरफ से इन सभी आरोपों को खारिज किया गया है। वहीं महिला लगातार पुलिस अफसर पर मारपीट करने का आरोप लगा रही है। देश भर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। राजधानी दिल्ली से लेकर आर्थिक राजधानी मुंबई तक छूकर बादल बरस रहे हैं। मुंबई में कई इलाकों में तेज बारिश होने की वजह से जलजमाव जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं दिल्ली में भी बीती रात से बारिश हो रही है, जहां आज सुबह 5 बजे के बाद से लगातार मूसलाधार बारिश होती रही जिसकी वजह से कुछ इलाकों में पानी भर गया। वहीं मुंबई की बात करें तो भारी बारिश की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने 24 घंटे का रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। 3 घंटे की बरसात ने मुंबई की सूरत पूरी तरह से बिगाड़ दी है। कहीं पानी में कार तैरती दिखी तो कहीं बाइकें बहने लगी। कुछ इलाकों में घरों में भी पानी घुस गया है। वहीं कई ऐसे इलाके हैं जहां सड़कें तालाब बन गई हैं, बस अड्डे टापू हो गए हैं, ट्रेन की पटरियां पानी में पूरी तरह से डूब गई हैं। वहीं हवाई यातायात पर भी मौसम का असर देखने के लिए मिल रहा है। मुंबई में बारिश और लैंडस्लाइड ने जबरदस्त तबाही मचाई। मरने वालों का आंकड़ा भी अब तक 32 हो चुका है। सिर्फ चेंबूर के हादसे में 19 की जान अब तक जा चुकी है, जहां पहाड़ का मलबा गिर गया था। वहीं कुछ 5 हादसे और हुए हैं। शनिवार रात 11 बजे बारिश हुई थी जहां, और रविवार को भी जारी रही। इस दौरान भांडुप में और एक विक्रोली में 3, अंधेरी वेस्ट में 1 और कांदीवली ईस्ट में 1 की जान चली गई। चेंबूर में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है, जबकि 19 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं आज भी मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। इसको लेकर टीमें पूरी तरह से सक्रिय हैं, एहतियात बरता जा रहा है और कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। तेज हवाएं भी चल सकती हैं और इनकी रफ्तार 65 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। बता दें मुंबई के कई इलाकों में बारिश हो रही है। सायन से कुर्ला और हिंद माता तक बीती रात अच्छी बारिश हुई, कई जगह पानी भर गया। इससे आवाजाही भी पर भी काफी असर पड़ा। वहीं अंडरपास पानी में पूरी तरह डूब गए, निचले इलाके भी पूरी तरह से डूब गए। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी कई सड़कों पर पानी के भर जाने से ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो गई। नई दिल्ली से लेकर दक्षिण दिल्ली और पूर्वी दिल्ली में अच्छी खासी बारिश हुई। इससे लोगों को तेज गर्मी और उमस से राहत जरूर मिली, लेकिन भारी बारिश की वजह से सड़कें पानी से पूरी तरह लबालब हो चुकी हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आज दिल्ली में कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम और कहीं कहीं भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक राजधानी के प्रहलादपुर अंडर रेलवे ब्रिज में पानी भर गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक को एमबी रोड से मथुरा रोड की तरफ डाइवर्ट करना पड़ा था। इसके साथ ही सेंट्रल दिल्ली में फिरोज शाह रोड, कनॉट प्लेस और जंतर मंतर जैसे कई इलाकों में भी अच्छी बारिश हुई है। साथ ही दक्षिण दिल्ली के आरके पुरम और लाजपत नगर जैसे इलाकों में भी भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहा। वहीं पश्चिमी दिल्ली के नजफगढ़, उत्तम नगर, द्वारका,
बीजवासन, महीपालपुर समेत कई इलाकों में सुबह से ही झमाझम बारिश जारी रही। वहीं अगले 24 घंटे में भी यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक तेज हवा और गरज के साथ बादल बरस सकते हैं। मुंबई तक लगातार बारिश का कहर देखने के लिए मिल रहा है और अगले 24 घंटे में यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी भारी बारिश के आसार लगातार जताए जा रहे हैं। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक भी तेज हवा और गरज के साथ बादल बरस सकते हैं, ये लगातार संभावना जताई जा रही है। चार का चक्रव्यूह में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे चार बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। हर खबर से होगा हमारा सीधा सरोकार, किसी के पैरोकार, तह तक जाएंगे हम, हर खबर का करेंगे पूर्ण विश्लेषण। देखिए चार का चक्रव्यूह मेरे साथ शाम 4 बजे। ठीक है कि कल हो सकता है सिद्धू को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर दिया जाए।